नमस्कार, मैं राहुल देव आज आपको पंडित देवी पलुस्कर की कहानी सुनाता हूँ। भारतीय शास्त्रीय संगीत में ग्वालियर घराने का एक बहुत अलग और विशिष्ट स्थान है। ध्रुपद अंग की गायकी इस घराने की खासियत है। इस घराने को पहचान दिलाने वाले कलाकारों में पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर का नाम संगीत प्रेमियों ने सुना है। इसके अलावा पंडित विनायक राव पटवर्धन, पंडित कृष्ण राव शंकर पंडित और पंडित एल के पंडित जैसे कलाकारों ने भी इस घराने को ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इसी घराने से ताल्लुक रखते थे पंडित दत्तात्रेय विष्णु पलुस्कर यानी पंडित डीवी पलुस्कर। पंडित डीवी पलुस्कर का जन्म 28 मई 1921 को हुआ था। चाइल्ड प्रोडिजी कहने वाले डीवी पलुस्कर जब सिर्फ 10 साल के थे तब उनके पिता का निधन हो गया। दरअसल डीवी पलुस्कर अपने पिता की 12वीं संतान थे। इससे पहले 11 बच्चों की मौत हो चुकी थी। ऐसे में देवता के नाम पर ही उनका नामकरण किया गया था दत्तात्रेय। घर में उन्हें पहले बापू और फिर बाबू राव के नाम से बुलाया जाने लगा। उनका उपनाम गाडगिल था लेकिन सांगली के करीब पालुस में जन्म होने की वजह से उन्हें पलुस्कर बुलाया जाना शुरू हुआ। 10 साल की उम्र में ही पिता का साया उठ जाने के बाद भी पंडित डीवी पलुस्कर ने अपनी संगीत साधना को जारी रखा। 20 साल की उम्र में वो एक प्रख्यात गायक बन चुके। ग्वालियर घराने के ही एक और दिग्गज कलाकार पंडित एल के पंडित उन्हें याद करके कहते हैं, मैं पंडित डीवी पलुस्कर जी को 1945 से जानता था। 1945 में वो गंधर्व महाविद्यालय की सिल्वर जुबली में ग्वालियर आए थे। मैंने उन्हें वहीं पर पहली बार सुना। उनकी गायकी और व्यक्तित्व से मैं बड़ा प्रभावित हुआ। उसके बाद जब मैं पिताजी के साथ जालंधर जाता था हरवल्लभ समारोह के लिए या अमृतसर की राजसभाओं में तो वहाँ भी वो आते थे। वहाँ मैंने कई बार उनका गाना सुना। ग्वालियर घराने के सच्चे प्रतिनिधि थे। सन 1952 की बात है, डीवी पलुस्कर करीब 30 बरस के थे। उन्हीं दिनों हिंदी फिल्मों में संगीत की दुनिया में नौशाद साहब का नाम बहुत तेजी से उभरा था। ये उन्हीं दिनों की बात है जब विजय भट्ट एक फिल्म बना रहे थे बैजू बावरा। बैजू बावरा को संगीत देने की जिम्मेदारी नौशाद की थी। नौशाद अपनी फिल्मों में लोक संगीत के प्रयोग के लिए जाने जाते थे लेकिन इस फिल्म में उन्होंने शास्त्रीय रागों का जमकर इस्तेमाल किया। हालांकि इस बात को लेकर उनका फिल्म के प्रोड्यूसर के भाई से मतभेद भी हुआ लेकिन नौशाद शास्त्रीय संगीत के रागों की जमीन पर तैयार किए गए अपने गानों को लेकर अड़े रहे। कमाल की बात यह रही कि इस फिल्म का संगीत बेहद सराहा गया। 50 के दशक की टॉप 10 फिल्मों में इस फिल्म को भी जगह मिली। बाद में नौशाद साहब को इस फिल्म के संगीत के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का फिल्मफेयर अवार्ड भी मिला। इस फिल्म का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं, इस फिल्म में संगीतकार नौशाद ने उस्ताद अमीर खान और पंडित डीवी पलुस्कर को साथ गवाया था। इस फिल्म में दो गाने शुद्ध शास्त्रीय राग पर आधारित थे। राग थे तोड़ी और देसी। गीत के बोल थे, कंकरिया न मारो और आज गावत मन मेरो झूमकी। इसके अलावा पंडित डीवी पलुस्कर ने एक बांग्ला फिल्म में भी गाना गाया। वो 1955 का साल था। पंडित डीवी पलुस्कर भारतीय शिष्टमंडल के साथ चीन के दौरे पर गए थे। वहां से लौटने के बाद उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें इंसेफलाइटिस हो गया था। 26 अक्टूबर 1955 को पुणे में पंडित डीवी पलुस्कर का निधन हो गया। पंडित डीवी पलुस्कर सिर्फ 34 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गए लेकिन शास्त्रीय संगीत में बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर गए। आप उनके शास्त्रीय राग सुनिए, भजन सुनिए, लगेगा कानों में कोई मिश्री घोल रहा है। कबीर, सूर, तुलसी और मीराबाई के उनके गाए भजन आज भी सदाबहार और लोकप्रिय हैं। उनकी गायकी में गजब का ठहराव। नमस्ते, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप रागिरी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इन वीडियोस को लाइक कीजिए और Facebook और Twitter के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू।